इन्होंने आईन या कानून को क्या मानना है, पहले तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस का जो हलफ उठाया उसको ही मान लें, अपनी बात करना जानते हैं, दूसरों की सुन नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, मैं इस पे क्योंकि तोहीने अदालत के मामले पे मैं रिसीविंग एंड पे रहा हूँ, मैं इसका मुतासरा हूँ, मुझे इसमें सजा दी गई है, तो मैं तो यहाँ कोई आपके आपके फाजिल मेंबर बोल रहे हैं, आप लोग अपने हाउस का तौकीर नहीं, आप खानजादा साहब आप अपने आप को हलकान ना करें, आपको मौका बाद में मिलेगा, प्लीज़ नहीं, ये आप नहीं डिक्टेशन दे सकती ना मैडम, हर पार्टी ने अपना अपना नाम दिया हुआ है, आप कीजिए जी, आप कीजिए तो सेनेटर साहब, हौसला करें, बात करें। मैं तो करना शुरू करता हूँ फिर आप उनसे बात। देखिए गुजारिश ये है कि मैं कोई यहाँ तकरीर नहीं बल्कि अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ सिलेक्टिव तोहीने अदालत के केस लगते हैं, इक्वालिटी का कोई कानून नहीं, और किस तरह खास लोगों को, खास कारकुनों को इसका निशाना बनाया जाता है। पनामा के केस चल रहा था उसके दौरान मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और अदालत की कार्रवाई देखने के लिए जाया करता था, और यकीनन वहां जाकर जो भी वहां बात होती थी बाहर आकर मीडिया से बात करता था। I've already said I will give the mic, जो बाद में डिस्कशन के बाद जिसने बात करनी है बेशक करे, जीशान को मैं फाजिल मेंबर को कह चुकी हूँ, अगर आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बार बार कह चुकी हूँ, आप प्लीज़, ये पार्टी डिबेट हो रही है, वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड अफेक्टेड पार्टीज। जी सेनेटर साहब जी जी बहुत शुक्रिया। नहीं बिलाल साहब, पीपल्स पार्टी से हो गई बात, आप बाद में कीजिएगा, जो आप इन पर पीटीआई पे लागू होगा आप पर भी होगा। जी जी हमारे जो अपोजिशन के फाजल रुकन हैं या अराकीन वो सुन नहीं रहे थे। चेयरपर्सन मैंने तो ये कहा है कि मैं कोई तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ, मैं अपनी आप बीती इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एक मिडिल क्लास से एक सियासी कारकुन हूँ, किस तरह मुझे इसी तोहीने अदालत के कानून का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के हालात में मैं अपनी लीडरशिप और एक नज़रिए पे खड़ा था। पनामा का केस जब शुरू हुआ तो अदालती कार्रवाई देखने मैं वहाँ जाया करता था, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करता था, अदालती कार्रवाई के बाद यकीनन बाहर मीडिया से सवालों जवाब होते थे, हम अपनी बात करते थे, अपनी राय का इजहार करते थे, और उस वक़्त यानी मेरे तोहीने अदालत के नोटिस से कोई 6 महीने पहले उसी बेंच के एक मोहतरम जज साहब जो रुकन थे इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने कहा कि हम पहले ज़रा वज़ीर आज़म को सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद ये जो बाहर जाके बात करते हैं इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये आगाज़ है, और उसके बाद उसके मेरा नोटिस, मैं वो पूरी केस फाइल आपके सामने इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ, किस बात पे लिया गया कि एक जलसाए आम जिसमें मैंने तकरीर करते हुए ये अल्फाज कहे कि इन पीसीओ के जजों को निकालो ये इंसाफ नहीं देंगे, और बड़े जोर से कहे कि पीसीओ के जज, किसी लॉफुल जज का नाम या किसी लॉफुल जज की मैंने बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने पीसीओ के हलफ मुशर्रफ के तरले मिनते करके जिसमें खोसा साहब भी शामिल थे, साकिब निसार भी शामिल था, उठाए थे, उन्हें ही दर्द फील हुआ, मुझे तोहीने अदालत का नोटिस मिला।
उस तोहीन अदालत के नोटिस में पूरे पाकिस्तान में कोई वकील जो बड़े बड़े नाम है आज वो जज हैं, मेरा वकील बनने को कोई तैयार नहीं था। कि इसलिए कहते थे कि केस तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, तोहीन अदालत तो बनती नहीं है, लेकिन हम अदालत को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उनका मूड खराब है आपके बारे में। इसमें वो जज साहिबान के मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज जज हैं वो, और उस सूरत हाल में हमारी क्यादत ने बात की आसमा जहांगीर साहिबा से, उन्होंने कहा कि वो केस लड़ेंगी, लेकिन वो केस पेश होने से पहले उसी फोन कॉन्फ्रेंसेशन में उसके गवाह आजम नजीर तारड़ साहब भी हैं, वो वफात पा गई। उसके बाद भी मुझे दो तारीखों पे कोई वकील नहीं मिला। मैं एहसान मंद हूं, ये हमारे हाउस के मेंबर भी हैं कामरा मुर्तजा साहब, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई वकील नहीं मिला, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जनाबे वाला आप ये देख लें कि मेरे जैसे के लिए कोई माफी नहीं थी। चेयरपर्सन साहब आप पूरी दुनिया में तुहीन अदालत का कानून जिसमें स्कैंडलाइज करना है, रेडिक्यूल करना है, यह मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है। इस वाली साइड मुहज्जब ही है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी हम 19वीं सदी के वो सारे हथकंडे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग अपनी बात ना कह सकें। मुझे बता दीजिए, यहां पर बहुत सारे वकला और हमारे ये ऑपोजिशन से यहां पर हैं, क्या ये कानून खत्म नहीं हो चुका? किस मुहज्जब दुनिया में स्कैंडलाइज करने का अदालत को? आज भी तुहीन अदालत से अराकीन असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते, और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। तुहीन अदालत तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे किसी सियासी कारकुन को सजा देने से कोई अदालत का वकार बुलंद होगा। ये तो जिन्होंने आईन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आईन तोड़ने वालों को सजा देना। फैसल वाडा साहब, मैं तो इनके साथ टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं था, मेरा इनसे इतना शदीद इख्तलाफ है। मेरे इस साइड पे भी फाजल रुकन बहुत सारे मौजूद हैं, और इनके वो लोग भी जिसमें रऊफ हसन साहब और बाकी शौम, उन्होंने रिसेंटली गुफ्तगू की है, वो ज्यादा तुहीन अदालत के जुमरे में आती है। लेकिन मैं सियासी कारकुन के तौर पर वो बुजदिल नहीं हूं कि अपने मुखालफों को मैं कहूं कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपाकर नाहल किया जाए। सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए, और ये कहते हैं जी पर्सनल एजेंडे पे बात हो रही है, क्या पर्सनल एजेंडा है? ये जो पार्लियामेंट है, कहते हैं मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसकी तुहीन कब नहीं हुई? हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया इस पार्लियामेंट ने, इसका वजीर आजम को लटका दिया जाए, इसके वजीर आजम को उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहयात नाहल कर दिया जाता है। ये इस पार्लियामेंट ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, कोशिश की कि ऐसा तसादम अदारों के दरमियान ना पैदा हो, और मौजूदा हालात में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब यह सूरत हाल हो तो मुल्क में लगता है कि जैसे अदारे आमने और सामने हैं। चेयरपर्सन, मेरी गुजारिश इसमें यही है कि वो असूल जो दरगुजर का है, मैग्नेनिटी का है, रिस्ट्रेन का है, अदालत को उसको मलहूज़े खातर रखना चाहिए।
और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के नोटिस से कोई अदालती वकार में इजाफा होगा। और अगर फिर हम बात ही करने निकले, अभी कहा गया है कि यह बड़ा ही कोई पर्सनल एजेंडे पे बात हो रही है। कुछ देर पहले ही एक लीडर वो अदालत में पेश होता था, टाइम सुबह 9 बजे का होता था, शाम 9 बजे आते थे वो और दरो दीवार हिला देते थे। इस्लामाबाद का जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उसकी कोई खिड़की दरवाजा नहीं बचा था, लेकिन तुहीन अदालत नहीं हुई थी। इस्लामाबाद तशरीफ लाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तशरीफ लाए और पूरे इस्लामाबाद की कोई दरख्त कोई चीज नहीं बची, आग लगा दी। तुहीन अदालत आज भी उधर ही पड़ी है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो तुहीन अदालत में सजा हो, लेकिन इसका यह भी नहीं मतलब कि चुन चुन के नोटिस दिए जाएं। मेरी यही गुजारिश होगी कि इस पूरी सूरत हाल में अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे, अदालत अपना वकार इस कंडक्ट से, वो असूल वो कानून जो पूरी दुनिया में जिस पर लोग अब किसी किस्म का नोटिस करते ही नहीं है, उसका सहारा लेने की बजाय अपनी अदालती कारकर्दगी से अपना आपको वकार बेहतर करे। और मैं दोबारा एक दफा ये चाहूंगा कि अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। और चेयरपर्सन, वो जब ये केस चल रहा था, ये भी एक तारीखी बात है, केस चल रहा था तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। और उसके बाद एक और बात, इसके भी गवाह आजम नजीर तारड़ साहब और कामरान मुर्तजा साहब है, मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी उसी दिन, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था, मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। यह सेम तारीख और सेम दिन का कहानी है। अदालत का वकार मेरे जैसे और अराकीने पार्लियामेंट को तुहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं। आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। हम आपके पीछे खड़े हैं, हम किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया। नहीं नहीं, हम आपके रखवाले हैं, हम आप नाहल भी करें तो हमने आपकी नाहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुक कर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, प्लीज इस काम को रोके इधर ही। और मैं सिर्फ दोबारा एक दफा ये बात दोहरा दूं कि चीफ जस्टिस साहब, आप पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान, आपने तो खुद ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, आप ये असूल मैग्नेनिटी का, रिस्ट्रेन का, दरगुजर का ये अपनाएं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करना चाहूंगा, लेकिन अगर बोलने की दोबारा जरूरत पड़ी तो जरूर बोलेंगे। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा जमीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।